हेलो गाइस, मैं मुसीबुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगांत धारा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत सारे कंपनी में मेस फैसिलिटी नहीं रहता है और बहुत सारे कंपनी में मेस फैसिलिटी रहता है। जिस कंपनी में मेस फैसिलिटी नहीं रहता है उस कंपनी 300 रियाल देता है। पूरा एक महीना में आप फूड के लिए कितना खर्चा होता है और 300 रियाल में आपको किस टाइप का खाना होगा और 300 रियाल में आप पूरा महीना चलेगा या नहीं चलेगा, वो भी इस वीडियो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। कतर में किस भी कंपनी में जाएंगे तो आपको मेस फैसिलिटी, उस कंपनी का मेस फैसिलिटी नहीं रहेगा तो आपको 300 रियाल मिलता है। अगर मेस फैसिलिटी रहेगा तो कंपनी के मेस पे आपको खाना पड़ता है। तो अगर आपको मेस के लिए आप 300 रियाल देता है तो 300 रियाल में आपको पूरा महीना चलेगा। देखिए पहले क्या होता था, पहले आपको 200 रियाल देता था, 200 रियाल में आप पे थोड़ा कंजेशन करके 200 रियाल में आप पे एक महीना चला लेता है। लेकिन अभी 300 रियाल दे रहे हैं, 300 रियाल में आप थोड़ा खाना आप अच्छा खा सकते हैं, आपको इतना ज्यादा कंजेशन नहीं करना पड़ेगा। 300 रियाल में आपको खाना पूरा महीना का खाना हो जाएगा। कतर का 300 रियाल दे रहे हैं तो कतर का 300 रियाल अगर आप जिस रूम में रहते हैं 6 आदमी है कि 8 आदमी है, तो अगर 8 आदमी मिला के एक मेज बना के आप खाएंगे तो आपको लिए आप लोग थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। आपको 300 रियाल में आराम से हो जाएगा, आराम से एक महीना हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो जिस भाई ने कमेंट किया है 300 रियाल में, अकेला अगर फूड पूरा खुद ही पका के खाएंगे अकेला, तो उसके लिए आपको 300 रियाल से थोड़ा ज्यादा लग सकते हैं। 3-4 आदमी मिला के एक मेज बना के अगर आप पूरा महीना चलाएंगे आराम से आपका हो जाएगा 300 रियाल में। बहुत सारे व्यूअर्स ने कॉमेंट किया है 300 रियाल में आपको किस टाइप का खाना होगा। देखिये हर हफ्ते एक बार मछली, एक बार चिकन और एक बार अंडा भी खा सकते हैं और भी बहुत सारे सब्जी वगैरह बनाएंगे भी आपको 300 रियाल में आपको आराम से हो जाएगा। 300 रियाल में आपका हो जाएगा, आपको इतना ज्यादा कंजूसी नहीं करना पड़ेगा। 300 रियाल का मतलब इंडियन मनी होगा 6000 रुपया। तो 6000 रुपया में आपको अभी इंडिया में अगर 6000 रुपया आपको एक आदमी के लिए दे रहा है तो आप आराम से 6000 रुपया में आपका एक महीना चल जाएगा। 300 रियाल में आपको एक महीना के लिए आपको फूड के लिए आपको देता है तो उसे 300 रियाल में आपको पूरा महीना चलेगा कि नहीं चलेगा, वो भी आप लोग को जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो थोड़ा सा जानकारी मिले, थोड़ा सा अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे।